नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम आज परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को दिखाने पहुंची है नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर में। यहां कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। आई इंडिया आज आपको दिखाएगा इस कंपोजिट विद्यालय की भौतिक और शैक्षिक तस्वीर धरातल पर क्या है। सरकार बहुत दावा करती है, बहुत सारे मिशन चलाती है, चाहे वो मिशन कायाकल्प हो, चाहे वो मिशन प्रेरणा हो, चाहे वो मिशन निपुण भारत हो। आज हम आपको दिखाएंगे कि धरातल पर वास्तव में केवल मिशन चलाया जा रहा है या उस मिशन पर मिशन की तरह काम भी किया जा रहा है। ये कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर नगर क्षेत्र का प्रांगण है। आप देख सकते हैं कि इस प्रांगण को यहाँ के अध्यापकों और प्रिंसिपल के द्वारा पूरी तरह से पेड़ पौधों से और साफ़ सफाई से सुसज्जित किया गया है, सजाया संवारा गया है। सरकार बहुत ज़्यादा जोर देती है वृक्षारोपण पर। हरे भरे पौधे हों, स्वच्छ वायु मिले बच्चों को और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। हम आपको दिखाएंगे कि कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर में समरसेबल की भी व्यवस्था है यहाँ पे, ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। सामने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एमडीएम, जिसमें बच्चों को मध्यावकाश में खाना दिया जाता है, उसका अपना एक मेन्यू होता है। सामने रसोइया खाना बना रही हैं ताकि बच्चों को साफ़ सुथरा और ताज़ा भोजन मिल सके। ये आप देख रहे हैं मीना मंच, और मीना मंच के पास में हैंड वाश यूनिट बनाई गई है। बच्चे हैंड वाश करके जो है एमडीएम करते हैं, ताकि विभिन्न तरह के जो बीमारियां हैं गंदगी से, जो हाथों की गंदगी से पेट तक पहुंचती हैं और उसके बाद उन्हें दिक्कत होती है, इससे छुटकारा मिल सके। अब हम आपको ले चलते हैं। ये सामने हम कहेंगे गोगा जी से दिखाएंगे, गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है और वंदना, जो यहाँ पे बच्चे रोज़ प्रेयर के टाइम पे किया जाता है, वंदना वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। हम आपको ले चलते हैं कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर के कक्षा कक्ष की तरफ। यहाँ पे बच्चों से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। ये कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर का कक्षा कक्ष है। हम आपको यहाँ पे बच्चों से रूबरू करवाते हैं। ये कक्षा 5 का कक्षा कक्ष है। इसमें मैथमेटिक्स का पीरियड है, मैम पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी इसमें विभिन्न चीज़ों को दर्शाया गया है, जिसे विधानमंडल को सामाजिक विषय, नागरिक शास्त्र का ये विषय है, उसमें दर्शाया गया है। विधानसभा और विधान परिषद को दर्शाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी इसमें वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। मैथमेटिक्स में भिन्न है, रंगीन भाग है और उसका जो ब्लैंक है उसको बताया गया है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो है और काफ़ी चीज़ें, आँखों का तारा और जैसी अंधे की लाठी, इन चीज़ों को दर्शाया गया ताकि बच्चे देख के सीखते हैं। आप देखेंगे कि समुचित यहाँ पर विद्युत की भी व्यवस्था है। बच्चे पंखे में की हवा खा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी का अनुभव ना हो और वो आसानी से पढ़ सके। मैम से बात करते हैं। प्लीज़ आप अपना नाम बताइएगा मैं दर्शकों को। मेरा नाम सुनीता दीक्षित है। सुनीता जी, ये कक्षा 5 है जी। आप कक्षा 5 की क्लास टीचर हैं जी। कितने बच्चे एनरोल्ड हैं इसमें? 36 बच्चे। उपस्थिति लगभग क्या रहती है? उपस्थिति 5-6 बच्चे एब्सेंट रहते, बाकी सारे रहते हैं। बाकी सारे बच्चे मैथ का पीरियड है जी। इकाई दहाई पढ़ाई जा रही है जी। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में इसमें इकाई दहाई पढ़ाई जा रही है, आकर के बताएगा इसमें ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सैकड़ा। ये क्या चीज़ है? आप ब्लैक बोर्ड पे आके हाँ बताइए। हाँ, नीचे नीचे नंबर में बताइए। यहाँ इसमें अच्छा, दहाई में, इकाई में एक संख्या। ये बच्चा इकाई दहाई सैकड़ा का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था और इस बच्चे ने आपको बताया जो 2 संख्याएं होती हैं वो दहाई होती है, जो 1 संख्या होती है इकाई, और 3 संख्याओं में जो है वो सैकड़ा होता है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले कक्षा कक्ष की तरफ, बच्चों से रूबरू करवाते हैं। इस कक्षा के विद्यार्थियों से आपको हम रूबरू कराते हैं। ये कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर का कक्षा कक्ष है। इसमें मानव में पाचन की क्रिया को मैम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। विज्ञान का पीरियड मुझे लगता है। हम आपको मैम से बात कराते हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइएगा मैम। मेरा नाम अनु सेना है और मैं सेना। ये कौन सा क्लास है? ये कक्षा 7 है। कक्षा 7 है। कहाँ का पीरियड है? विज्ञान का है, कालांशीय विज्ञान का। अच्छा, टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई होती है। इस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? इस क्लास में 51 बच्चे एनरोल्ड हैं। अच्छा, उपस्थिति सामान्यतः क्या रहती है मैम? उपस्थिति सामान्यतः 40 के आसपास रहते हैं बच्चे। 40 के आसपास रहती है। 71 बच्चे इनरोल्ड हैं और 51 बच्चे इनरोल्ड हैं और 40+ उपस्थिति रहती है। विज्ञान का ये पीरियड है। बेटा आप खड़े हुए। क्या नाम है आपका? सर दिवाकर कुमार। दिवाकर कुमार। अच्छा, ये विज्ञान पढ़ाई जा रही है। यस सर। विज्ञान की परिभाषा सुना सकते हैं सर? यस बताइए सर। विज्ञान के द्वारा सर जिसका हम प्रयोग करते हैं वो सर विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान के द्वारा जो इन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी परिभाषा बताने की कोशिश की है। आप यहाँ की जो मिशन कायाकल्प की स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। टाइलीकरण भी विद्यालय का हो चुका है, विद्युतीकरण भी हो गया है। और आप देखिएगा यहाँ पे जो साइंस की विभिन्न चीज़ें हैं जो बच्चों के दैनिक उपयोग की बेसिक चीज़ें हैं, उसे पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे लगाया गया है, दर्शाया गया है ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की प्रधानाचार्या मैडम से। उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय की जो शैक्षिक और भौतिक परिवेश जो उन्होंने डेवलप किया है उसको डेवलप करने में उन्हें किसकी विशेष मदद मिली है और किन किन संघर्षों से उन्हें जो है दो हाथ करने पड़े हैं। हम मैम से बात करते हैं। प्लीज़ आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ, मेरा नाम शशि तिवारी, इस्माइलपुर। हाँ, शशि तिवारी जी। हाँ, इस्माइलपुर कंपोजिट विद्यालय में आप कब से एज ए प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल क्या, हमारे पास इंचार्ज ही है। प्रिंसिपल तो मेरे विद्यालय में कोई है नहीं। अच्छा, और हाँ इंचार्ज हैं। और ये हमें इंचार्ज हम हैं 12 से। हाँ 12 से। हाँ। 413 बच्चे पूरे इनरोल्ड हैं आपके स्कूल में। उपस्थिति कितनी रहती है? 88%, 80, 85, 88, मतलब 80 से ऊपर ही रहती है। 80% से ऊपर रहती है। हाँ। सामान्यतया उपस्थिति को लेकर प्रशिक्षण लगते हैं आप लोगों को? कोई मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों से संपर्क करना पड़ता है? नहीं, गार्जियन से संपर्क करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि अगर आप आएंगे तो आपका ही इसमें वो आपकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के महत्व को बताकर और गार्जियन को मिलकर, इससे कि बच्चे जो हैं हमारे विद्यालय में। अच्छा, सभी बच्चे नगर क्षेत्र के हैं कि आसपास? नहीं, बहुत जगह के नगर। सहसापुर है, हेमपुरवा है, बड़ौड़ा है, ये खूबपुर है, इधर हेमपुरवा है, गल्ला मंडी है, सब कहीं के बच्चे आते हैं। हाँ, वोजीपुर। हाँ, खूबपुर में और सहसापुर में स्वयं विद्यालय हैं, बेसिक के भी हैं? नहीं, खूबपुर में नहीं है। खूबपुर में नहीं, सहसापुर में है। सहसापुर में प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा, जूनियर में बच्चे यहाँ? हाँ, जूनियर नहीं है इसलिए वो यहाँ आते हैं। मिशन कायाकल्प में आपके यहाँ कितना काम हो गया? मिशन कायाकल्प में वही ये टाइल्स लगी हैं सब, और टाइल्स ही लगी हैं और बाद बाकी वो लैट्रिन बाथरूम, लैट्रिन बनी है 4। हाँ। अच्छा, अब और ये चलने का रास्ता मतलब बनाया गया है। चलने का रास्ता बनाया। अभी आपको और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं विद्यालय के लिए? है तो बहुत कुछ। अभी हमारे पास जिस प्रकार से छात्र संख्या है उस प्रकार से हमारे पास अध्यापक नहीं है। अध्यापक मेरे बहुत कम हैं। उसके बाद में भी हम अपनी व्यवस्था को बना रखे हैं। अभी जैसे निपुण परीक्षा हुई थी भारत लक्ष्य की, उसमें हमारे बच्चों की 88% मतलब बच्चों ने उपस्थिति दर्ज की थी। बच्चों का पेपर उसी प्रकार से हुआ है। और इसके अलावा और भी हमारा नामांकन 413 है, तो नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्यालय मेरा माना जाता है। और इसके अलावा उपस्थित भी उसी प्रकार से हमारी रहती है। पीरियड के अनुसार हम लोग अपने बच्चे में स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब पीरियड लगता है टाइम टेबल के हिसाब से। हाँ, सब बच्चों को करवाते हैं। और कम शिक्षकों के अभाव में भी मैं अपने बच्चे मतलब पूरे स्टाफ सहित हमारे पास 3 अनुदेशक हैं। प्राइमरी में कोई अध्यापक नहीं है, बस केवल एक शिक्षा मित्र है, वहाँ 252 बच्चे हैं प्राइमरी में, तो एक अध्यापक तो इतने चला नहीं पाएगा। ये हमारा कंपोजिट होने के कारण हमारे जो जूनियर के शिक्षक हैं वो सब प्राइमरी को लेकर के हम अपनी व्यवस्था बना रखे हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है। और हम लोग जो है मतलब विद्यालय को हमने देखा साफ सफाई की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, क्या ये नगर पालिका व्यवस्थित कराता है? नहीं नहीं, नगर पालिका का कोई हाथ नहीं है यहाँ, सब हम लोग अपने आप व्यवस्था अपने वो जो लगे हैं हमारे यहाँ रसोइया कर्मचारी जो भी छोटे वाले हैं वो सब मिलके और हमारा परिचारक मिलके सब सफाई करता है, बाहर की कोई व्यवस्था नहीं। ये तिवारी मैडम हैं, यहाँ की कंपोजिट स्कूल इस्माइलपुर की प्रिंसिपल हैं। आपने बताया कि यहाँ पर जो है नगर पालिका के द्वारा साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, आपको अपने संसाधनों से इसको कराना पड़ता है। छात्र संख्या के अनुसार यहाँ पे टीचर्स की भी कमी है, बावजूद उसके आपने देखा कि यहाँ का जो शैक्षिक स्तर है वो पूरी तरह से यहाँ के शिक्षकों के द्वारा कमी होने के बावजूद भी पूरी तरह से मेंटेन है। मिशन कायाकल्प में भी काम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग शौचालय की पैरामीटर के अनुसार ज़रूरत है। जो मैम ने बताया आई इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे अभियान परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर के क्रम में आज आपने कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर की वास्तविक स्थिति देखी, भौतिक परिवेश देखा और शैक्षिक माहौल भी देखा क्या है। अगले एपिसोड में आई इंडिया फिर आपको एक नए परिषदीय विद्यालय की बदलती हुई तस्वीर दिखाएगा। तब तक अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।